नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या के बारे में बताऊंगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और अक्सर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या, नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ ईच साइड इन स्पोर्ट्स, खेल खिलाड़ियों की संख्या। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन के प्रत्येक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। जिमनास्टिक के प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस के प्रत्येक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस के प्रत्येक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। खो खो के प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जो कि अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया इससे संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। प्रश्न, वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, अपने अगले वीडियो में मैं आपको लोकप्रिय खेलों की प्रमुख शब्दावली, टॉप स्पोर्ट्स ग्लॉसरी ऑफ पॉपुलर गेम्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अक्सर एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे कि बुली किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। स्टेलमेट किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज से संबंधित है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको इस संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।